हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एरियल जैसा सर्फ आप कैसे बना सकते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट एरियल जैसा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए पानी, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश और एसएलएस। तो इन चार चीज़ों के को मिक्स करके आप आज बनाएंगे, और कलर और परफ्यूम एज यूजुअल हर एक प्रोडक्ट में ये तो लगता ही है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो पहले आप कास्टिक को पानी में घोल लीजिए। आपका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में मतलब शो हो रहा है आपको। तो घोल लेने के बाद इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए भी रख देना पड़ता है साइड में। कास्टिक को पानी में मिला के इसको एक साइड में रख दीजिए। कुछ देर बाद ठंडा होने के बाद उसमें सबसे पहले आप इसीलिए थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। थोड़े क्वांटिटी को मतलब आपको 5 लीटर का जो बैच मैं दिखा रहा हूँ, इसका एक छोटा सा सैंपल बना के दिखा रहा हूँ, और मेज़रमेंट जो आपको दे रहा हूँ मैं वो 5 लीटर का मेज़रमेंट है। तो इसमें से थोड़ा सा इसीलिए को अलग करके आप कास्टिक सोडा के घोल पर इसीलिए इसको पहले मिक्स कर दीजिएगा। तो बढ़िया तरीके से आप उसको मिक्स करना, अदरवाइज़ वो मिक्स नहीं होने से क्वालिटी उसका अच्छा नहीं आएगा। तो उसके बाद आपको इसमें सोडा ऐश मिक्स करना है। सोडा ऐश का भी मेजरमेंट ये है 5 लीटर के लिए। तो बढ़िया से एकदम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कीजिए दोस्तों। जितना बढ़िया मिक्स करेंगे प्रोडक्ट उतना बढ़िया आपका बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट आपको चाहिए। 5 लीटर में 50 ग्राम सॉल्ट ही काफ़ी है, तो इससे क्या आपको थोड़ा बहुत थिकनेस आ जाएगा। अब उसके बाद आपको डालना है साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड जो है अच्छा मैल काटता है, और इसमें आज इस वीडियो में मैं आपको पीएच बैलेंस करना भी आपको सिखा दूंगा। तो साइट्रिक देने के बाद आप अभी देख सकेंगे, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले, बहुत बढ़िया से, जितना बढ़िया से आप मिक्स करेंगे दोस्तों उतना बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा। और ये इस वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है कि जो एक बिगिनर्स होते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं होता है वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो एकदम एरियल लिक्विड जैसा डिटर्जेंट लिक्विड आराम से बना पाएंगे। एरियल जैसा एकदम ब्रांडेड हाई क्वालिटी, थिकनेस ज़्यादा आएगा इस मतलब इस फार्मूला से थिकनेस बहुत ज़्यादा आएगा दोस्तों। तो अभी देख लेते हैं एक बार पीएच चेक करके इसका पीएच कितना आया है। तो अभी पीएच पेपर में देखिए ये ब्लू शो कर रहा है, तो मतलब ये जो पीएच है काफ़ी ज़्यादा है। ब्लू होने का मतलब है 9 to 10 लेवल में इसका पीएच है। तो अभी हमको इसको क्या करना है, इसको पीएच को घटाना है। तो पीएच घटाने के लिए इसमें साइट्रिक एसिड का मात्रा आप थोड़ा सा ऐड करिए, थोड़ा ऐड करिए, फिर इस वापस इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करके उसके बाद इसका जो पीएच है वापस इसको हमें चेक करना है। तो एक बार वापस हम लोग इसको चेक करेंगे पीएच पेपर से। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये काफ़ी ईजी वे से मैंने बनाया है। जैसे देखिए ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, मैंने फिर वापस चेक किया तो अभी भी स्टिल ये ब्लू ही है। तो मतलब इसमें और कास्टिक आपको ऐड करना है, सॉरी कास्टिक नहीं साइट्रिक एसिड, सॉरी। तो साइट्रिक एसिड आप वापस ऐड कीजिए, ऐड करके वापस इसको मिक्स कीजिए। फिर वापस मैं इसको चेक कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए अभी भी ये ब्लू है, मतलब इसका मतलब मेरे को इसमें और थोड़ा साइट्रिक एसिड मिक्स करना है। तो साइट्रिक एसिड को आप धीरे धीरे मिक्स करते रहिए और इसका लेवल को आप चेक करते रहिए, क्योंकि जब तक ये इसका पीएच बैलेंस नहीं होगा तब तक इसका जो कलर है वो ग्रीन नहीं आएगा, क्योंकि हमें चाहिए ग्रीन पीएच पेपर में, ये ग्रीन दिखना चाहिए दोस्तों। तो ये हमेशा ख्याल रखें कि पीएच अब मतलब एकदम डेफिनेटली पीएच बैलेंस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट जो है वो अच्छा ना थिकनेस देगा ना ये स्टेबल रहेगा, ये जो प्रोडक्ट है ये फिर कट जाएगा, तो वो सेपरेशन आ जाएगा, तो आपका जो मटेरियल है पूरा बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। ये जो झाग अभी आया हुआ है इसके लिए एकदम ना डरे, ये सारे जो बबल्स हैं ये सब सेटल हो जाते हैं दोस्तों, कुछ ही देर में ये सेटल हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिएगा, अब देखें पीएच कितना आता है इसका। हाँ देखिए, अब ये जो पीएच है ये एकदम प्रॉपर है, हमें ये ग्रीन पीएच ही चाहिए, मतलब ग्रीन कलर का मतलब होता है 5 to 6। तो 5 से 6 के बीच में ये लेवल है, तो ये काफ़ी बढ़िया पीएच इसका बैलेंस हो गया है। अब पीएच बैलेंस करने के बाद अबे हमें अभी इसको थिकनेस को बढ़ाना है। थिकनेस कैसे बढ़ाएं, तो बाकी जो एसिलियस था अब उसे हमें इसको मिक्स करना है। एसिलियस को मिक्स बढ़िया से मिक्स करते रहिए, जैसे आप मिक्स करते रहेंगे उसमें आपका
आता रहेगा दोस्तों, देखते रहें। देखिए प्रॉपरली मिक्स करते करते जा रहा हूँ मैं, देखिए प्रोडक्ट का थिकनेस धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। तो मैं आपको और भी क्लोज व्यू इसका दिखाऊंगा, इसको नज़दीक से आपको दिखाऊंगा कि इसका थिकनेस देखिए कितना, मतलब बढ़िया बढ़िया थिकनेस आ गया है। देखिए दोस्तों जितना मिक्स करते जाएंगे दोस्तों उतना इसका थिकनेस आता रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो कमेंट कीजिएगा, क्या गलती हुआ है उसका भी बारे में कुछ आप बताइएगा। अगर आपको इससे अच्छा फार्मूला कुछ मतलब आपके नॉलेज में है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, तो आपका जो नॉलेज है वो शेयर करने से बढ़ता है दोस्तों। तो काइंडली आप लोग हमेशा नॉलेज को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि शेयर करेंगे तो नया नया टेक्निक सामने आएगा, नया नया फार्मूला आएगा दोस्तों। तो अभी आप देखिए इसका थिकनेस दोस्तों कितना हाई क्वालिटी का ये लिक्विड डिटर्जेंट मतलब बन रहा है। इसमें अभी आपको एक मतलब हमें मैंने ग्रीन कलर लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसमें अभी कलर मिक्स करेंगे हम, देखिए दोस्तों कितना हाई क्वालिटी कितना थिक मटेरियल बना है, ये थिक भी है और ये काफ़ी सस्ता भी आपको बना है दोस्तों। इसका इसका मैक्सिमम आपको खर्चा आएगा 1 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपया मैक्सिमम आएगा दोस्तों, इतनी हाई क्वालिटी आपका प्रोडक्ट, वो भी एसिड सैलरी के बिना, विदाउट एसिड सैलरी का देखिए प्रोडक्ट कितना बढ़िया बनता है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने एसिड सैलरी का यूज़ नहीं किया है, बिना एसिड सैलरी का ये प्रोडक्ट बनाया है। और ये है आपका CBSX पाउडर, जो इस प्रोडक्ट का मेन जान यही है। CBX पाउडर दोस्तों आता महंगा है, 2700 रुपया किलो आता है, लेकिन आपको 5 लीटर में ओनली 5 ग्राम का ही ज़रूरत होता है दोस्तों। देखिए ये CBX पाउडर मिक्स करने के बाद इसका थिकनेस देखिए दोस्तों, देखिए प्रोडक्ट कितना थिक और कितना बढ़िया हो गया है दोस्तों। इसमें आपको इसमें आपको मतलब जब आप पैकिंग करेंगे दोस्तों, पैकिंग करने से पहले ही आप खाली परफ्यूम मिलाइए, अदरवाइज़ इसको परफ्यूम पहले मिलाएंगे तो दोस्तों फिर इसका जो स्मेल है वो निकल जाएगा। पैकिंग करने से पहले खाली इसको आप 5 ml 5 लीटर में काफ़ी होता है। अगर आपको थोड़ा हार्ड स्मेल चाहिए तो 5 की जगह आप उसको 10 ml भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ये बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों ये तो काफ़ी इजी वे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनके सबको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर मोबाइल डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगा। और हमारा एक 100 फार्मूला वाला एक बुक भी है दोस्तों, अगर वो आप चाहते हैं तो आप वो परचेस कर सकते हैं। उसका रेट हम लोगों ने इतना कम रखा है कि कोई भी हमारे दोस्त इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो ओनली 250 रुपये का आता है, जिसमें 100 तरीके का फार्मूला इसमें आपको मिलेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको बढ़िया लगे, अगर बढ़िया लगे तो शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों, और चैनल नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और देखिए मैंने एंड में ये 5 ml का जो परफ्यूम है मैंने डाला है, मैंने लेमन परफ्यूम यूज़ किया है। तो इसको मिक्स कीजिए, पैकिंग कीजिए और सेल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।